वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हमारा जो मॉड्यूल नंबर 5 जो चल रहा है, जैसे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड कंप्रेशन जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। वहाँ पर हमने देखा था अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में देखा था, जिसमें से बेसिक हमने देखा था टाइप्स ऑफ कॉलम्स वगैरह क्या होता है और उनको कैसे हम डिज़ाइन करना है, उसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया था। आज अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कॉलम्स को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज अपन देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्लैब्स और बीम्स में मैंने आपको बताया था इफेक्टिव लेंथ के बारे में आपको जैसे बताया था, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ कॉलम्स में मैंने आपको 3 टाइप के कॉलम बताया था, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, बेस्ड ऑन देयर रीइंफोर्समेंट, और क्या बताया था मैंने आपको, बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ लोडिंग। तो हमने टाइप ऑफ जो आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो था वो हमने अच्छे से देख लिया था, उसको मैंने डिराइव करके बताया था कि वो जो वैल्यू जो आई है लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 12 या फिर लैम्डा इज ग्रेटर देन 12। यहाँ पर हमने शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम को हमने डिफाइन किया था, उसी हिसाब से हमन क्या करेंगे यहाँ पर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग जो था उसके बारे में भी थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कि अगर आपके पास मैंने बताया था एक्सियल लोड जो होता है कॉलम उसके लिए डिजाइन करते हैं, दूसरा मैंने बताया था जिसमें एक्सियल लोड और यूनी एक्सियल क्या आता है आपके पास बेंडिंग मोमेंट आता है उसके लिए अपन डिजाइन करते हैं, फिर तीसरा एक और कंडीशन बताया था क्या होता है जब आपके पास एक्सियल लोड आता है और बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट आपको मिलता है, वहाँ पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाते जाएं जिस भी चीज़ के बारे में बताता हूँ, और जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई चीज़ मैंने ऐसा पॉइंट बताया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में मैंने उसको मैंने लिखा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी ऊपर ऊपर की कोई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कोई नॉलेज वाली चीज़ें बता रहा हूँ जिसको मैं बोर्ड में नोट्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज़ को अपना जानकारी के लिए क्या कर सकते हो, आप उसको साइड में नोट करके लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये पॉइंट भी होता है, इसको आप क्या कर सकते हैं अपने जहन में रखेंगे, ताकि आपके पास जब भी आपका जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में जब भी आपका क्या हो जैसे वाइवा वगैरह होता है, ठीक है, आपके पास वाइवा वगैरह जब भी आपका टेस्ट होगा तो आपको वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी ईजिली क्या हो जाएगी रिकॉल करेंगे, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कहाँ से निकाल सकते हैं वहाँ से आउटपुट आप निकाल सकते हैं उस एग्जाम से, ठीक है। चलिए आज हमारा जो नेक्स्ट जो आपके पास जो टॉपिक रहेगा कंप्रेशन मेंबर के अंदर कॉलम के अंदर वो रहेगा आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, वो क्या रहेगा आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो मैंने आपको बीम और स्लैब के लिए मैंने आपको समझाया था कि इफेक्टिव लेंथ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था एल इक्वल्स टू एल नॉट प्लस दोनों आपके पास जो सपोर्ट्स हैं वो दोनों का हाफ ऑफ हम डिस्टेंस ले लेते हैं, या फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था एल नॉट प्लस स्मॉल डी, स्मॉल डी के आपके पास इफेक्टिव डेप्थ वो क्या होता है आपके पास बीम या फिर स्लैब के लिए अगर पूछा जाएगा तो वहाँ से हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेते हैं, नहीं तो फिर क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ वहाँ से हम ले लेते हैं जो भी उसका क्या हो मैक्सिमम हो। लेकिन अगर मैं कॉलम की बात करूँ, ठीक है, तो बेसिकली इफेक्टिव लेंथ होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था इफेक्टिव लेंथ बेसिकली क्या होता है आपके पास, ये बताया था कि आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बताया था मैंने आपको, ठीक है, या फिर ठीक है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल दीजिए, ठीक है। तो वहां से मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपके पास क्या हो बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है आपके पास जीरो हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अपन यहां पर ले लेते हैं क्या, मैं एक ले लेता हूं आपके पास सिंपली सपोर्टेड, क्या ले लिया मैं आपके पास बीम ले रहा हूं, ठीक है, मैं कॉलम का ही बताऊंगा, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, मैं एक सिंपली सपोर्टेड क्या ले लिया यहां पर बीम ले लिया, इसके ऊपर मैंने लगाया यूडीएल, इसके ऊपर क्या लगाया मैंने यहां पर यूडीएल। तो अगर मैं इसका बीएमडी बनाया तो बीएमडी कैसा बनेगा इसका, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर आ रहा है आपका, ये दोनों पॉइंट यहीं पर क्या हो रहा है आपके पास बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। तो यहां पर आपके पास जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, जो आपके पास नॉर्मल आपके पास क्या है जो स्पैन का जो आपके पास लेंथ जो था एल उसके बराबर ही क्या होगा यहां पर इफेक्टिव लेंथ देखने को मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या हुआ यहां पर, आपको यहां पर देखने को मिला क्या है आपके पास एक फिक्स्ड बीम है, आपको यहां पर क्या देखने को मिला, फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिला यहां पर क्या है फिक्स्ड बीम है, ठीक है। अब अगर मैं सपोर्ट को चेंज कर दिया, दोनों सिंपली सपोर्ट को चेंज करके मैंने यहां पर क्या कर दिया उसको मैंने फिक्स सपोर्ट मैंने दे दिया ए और बी में, क्लियर। तो यहां पर अगर मैं उसका बीएमडी बनाया, यहां पर मैं उसका बीएमडी बना रहा हूं, तो इसका बीएमडी कैसा बनता है आपके पास, ऐसा बनता है इसका बीएमडी, ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ चुके हैं ना अपन। तो यहां पर उसका बीएमडी कैसा बनता है कुछ इस टाइप से। तो टोटल अगर इसकी लेंथ एल हुई इस बीम की, ठीक है,
तो यहां पर आपके पास अगर मैं एल ई की बात करूं तो ये दोनों पॉइंट के बीच का, ये दोनों पॉइंट क्या है, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का ये जो होगा ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी योर एल ई, दिस विल बी योर एल ई। मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो एल ही है इट इज लेस देन, क्या दिख रहा है आपको यहां पर, एल देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या होगा आपके पास, जो आपके पास जो नॉर्मल आपके पास जो स्पैन है ठीक है उससे क्या देखने को मिल रहा है, उससे कम देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप पढ़ते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप पढ़ते थे तो अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉलम, आप कॉलम तो आप देखिए कॉलम आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आप पढ़ेंगे, कॉलम आप पढ़ेंगे आरसीसी में भी, और कॉलम आप पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स में भी। ठीक है, वहां पर भी आप कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर्स में जो आप कॉलम पढ़ेंगे वो बेसिकली कहाँ किसका पार्ट है, फंडामेंटल कहाँ से आए, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जब आप कॉलम पढ़ेंगे तो वहां पर जब आप इफेक्टिव लेंथ जब आप पढ़ते हैं तो चार कंडीशन होती है वहां पर। ठीक है, सॉम में आपके पास चार कंडीशन होती है, कौन कौन सी, पहला आपको बोलता है कि एक कॉलम है जो आपके पास कैसा है, दोनों एंड कैसे हैं उसके, सिंपली सपोर्टेड है। तो यहां पर बोलता है कि आपके पास जो एल ही होगा वो किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। कैस क्यों एल के बराबर होगा, क्योंकि अभी आपको बताया कि इसका जो बीएमडी बनता है दोनों एंड अगर सिंपली सपोर्टेड है तो आपको यहां पर क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आपको एंड में ही देखने को मिलता है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल दीजिए उसको। तो एल ही किसके बराबर होता है आपके पास, एल के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पर दूसरा दूसरा केस की अगर मैं बात करूं सॉम की, तो यहां पर आपको बोलता है अगर मान लीजिए आपके पास एक एंड क्या है आपके पास सिंपली सपोर्टेड है और दूसरा एंड क्या आपके पास फिक्स्ड है, दूसरा एंड क्या आपके पास फिक्स्ड है, तो इसका आपके पास जो एल ई जो मिलता है आपको वो कितना मिलता है आपको, कुछ इतने डिस्टेंस का यहां से लेकर यहां तक ये ही मिलता है आपको इफेक्टिव लेंथ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एल बाय रूट टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, एल बाय रूट टू। सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात करूं, मान लीजिए दोनों एंड क्या है आपके पास, दोनों एंड क्या है आपके पास फिक्स्ड, दोनों एंड क्या है आपके पास फिक्स्ड, तो यहां पर आपको इफेक्टिव लेंथ आपको जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये दोनों पॉइंट्स है, ये कितना होता है, LE इक्वल्स टू L बाय टू, LE कितना मिलता है आपको, L बाय टू। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ में बोल रहा आपके पास एक एंड कैसा आपके पास फिक्स्ड है, दूसरा एंड क्या आपके पास फ्री है, कोई सपोर्ट ही नहीं है यहां पर, तो यहां पर आपको एक इमेजिनरी आपको देखने को मिलता है इफेक्टिव लेंथ, पूरा नीचे तक जाता है, जितना आपके पास ऊपर जितना बेंडिंग आया है उतना ही बेंडिंग आपके पास नीचे भी देखने को मिलता है इमेजिनरी। तो एल ई कितना मिलता है आपको, एल ई इक्वल्स टू टू एल यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास ये आप कहाँ से पढ़े थे, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने क्या पढ़ा था, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इफेक्टिव लेंथ का जो टॉपिक था वो आपने यहाँ से आपने देखने को मिला था। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ सॉरी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये आप हम यहाँ से बेसिक हम यही का सॉम का जो हमने पढ़ा था उसी को हम उठाएंगे, लेकिन आईएएस कोड ने क्या किया है कि ये जो फंडामेंटल ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपको दी गई है, ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू इफेक्टिव लेंथ की जो दी गई है, उस थ्योरेटिकल वैल्यू के अलावा उसने एक रिकमेंडेड आपके पास वैल्यूज दी गई है कि उतना तो ठीक है, उतना आपको बोल रहा है कि इतना होना चाहिए, ठीक है इतना होना चाहिए, बट हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एडिशनल क्या करेंगे वहां पर प्रोवाइड करेंगे, इतना रिक्वायर्ड है बट रिकमेंडेड क्या रहेगा, हम थोड़ा ज़्यादा उसकी वैल्यू लेंगे, तो वहाँ पर हम कैसी वैल्यू लेंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, और जब भी हम सॉम की बात करते हैं तो सॉम में ऐसा बोलता है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड या बोथ एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड, वन एंड इज फिक्स्ड एंड वन एंड इज फ्री, ऐसे टाइप की बातें होती हैं। लेकिन जब आप आरसीसी में जब आप देखोगे, जब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में एंड के बारे में ऐसा नहीं बोलेगा कि सिंपली सपोर्टेड है या फिक्स्ड है, ऐसा सिंपल नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट के तौर पर आपको क्या बताएगा, कंडीशन बताएगा कॉलम की। ठीक है, एक स्टेटमेंट के तौर पे कंडीशन बताएगा कॉलम की, और आपको स्टेटमेंट से पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि वो कौन से टाइप के, मतलब वो कॉलम के कौन से सपोर्ट कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है, और हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और वहां से हमें क्या निकालना है, उसका इफेक्टिव लेंथ हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले आपसे बताऊँ कि हमारे पास सपोर्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली दो सपोर्ट्स आपसे पूछेंगे, एक क्या है आपके पास सिंपली सपोर्टेड है, एक क्या है आपके पास सिंपली सपोर्टेड है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये कैसा है हमारे पास हिंज सपोर्ट, ठीक है, नॉट सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड पूरा बीम हो जाएगा, ये क्या आपके पास हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा क्या,
यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा क्या? मतलब अगर मैं ऊपर से लोड लगाया तो अगर मान लीजिए इसको मैं पॉइंट ए बोला तो पॉइंट ए नीचे चले जाएगा क्या, डिस्प्लेस हो जाएगा क्या? नहीं, सपोर्ट क्या कर रहा है, उसको रिस्ट्रेन कर रहा है। किसको? उसका जो ट्रांसलेशन है, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा उसको क्या कर रहा है, वो रिस्ट्रेन कर दे रहा है। सपोर्ट मैं लगाया क्यों? किसी एक पॉइंट पे मैं वो जो आपके पास जो भी आपके पास जो एलिमेंट है आपके पास जो भी आपके पास बीम कॉलम जो भी है मैं सपोर्ट वहाँ पे लगाया क्यों? ताकि वहाँ पर क्या करे, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको क्या करे, रिस्ट्रेन करे। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? रोटेशन की डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर क्या होता है आपके पास, जब आप लोड लगाओगे तो ये नीचे आपके पास क्या हो, यहाँ पर यील्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये नीचे क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा क्या? नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर लोड लगाया तो यहाँ से क्या करेगा वो, यहाँ से आपके पास रोटेशन देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से क्या होगा आपके पास, रोटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थीटा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात करूँ तो डिफ्लेक्शन तो आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर रोटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, हिंज सपोर्ट में। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन को, डेल्टा को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, डेल्टा को मैं बोल दे रहा हूँ कि इसको आप डिफ्लेक्शन बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, आप ट्रांसलेशन बोल दो। इसको आप क्या बोल दो, ट्रांसलेशन, ठीक है। या फिर डेल्टा को अपन पोजीशन के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं। इसके बारे में डेल्टा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ पोजीशन के बारे में बात कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर डेल्टा नहीं आ रहा है, मतलब इनिशियल जो ए पॉइंट था वो आफ्टर लोडिंग भी ए पॉइंट अपनी जगह पे ही है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ बींग होल्डेड इन देयर ओन पोजिशन, ठीक है। जो पॉइंट है वो क्या आपके अपने पोजिशन पर ही क्या है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर ट्रांसलेशन देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थीटा की बात किया, थीटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो थीटा को हम किस रूप से जानते हैं, थीटा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रोटेशन, ठीक है, या फिर आप बोल दो इसको रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, इसको आप बोल दो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, हिंज सपोर्ट में बोलूँगा it is not showing any translational displacement, मतलब आपको यहाँ पर डेल्टा आपको देखने को नहीं मिलेगा हिंज सपोर्ट में, but it is showing रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ शोइंग रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको थीटा देखने को मिलेगा। एक और स्टेटमेंट कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ हिंज सपोर्ट में it is restrained against translation, but it is not restrained against rotation, ठीक है। इसका मतलब क्या है, restrained against translation मतलब आपको यहाँ पर डेल्टा देखने को नहीं मिलेगा। डिफ्लेक्शन को क्या कर दिया सपोर्ट ने, रिस्ट्रेन कर दिया मतलब उसको प्रोहिबिट कर दिया, क्या करने से, जो भी आपके पास जो वैल्यू को हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू को आने से। मतलब यहाँ डेल्टा को मैंने रिस्ट्रेन कर दिया, मतलब इस सपोर्ट में आपको ट्रांसलेशन देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बट इट इज़ नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब ये, बट ये रिस्ट्रेन रोटेशन के अगेंस्ट नहीं है, मतलब ये क्या कर रहा है, उसको प्रोहिबिट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास थीटा देखने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट समझ में आया। तो आरसीसी में जब भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आरसीसी में ना आपको मेनली आपको ऐसे टाइप का स्टेटमेंट में ही रहेगा। आपको ये नहीं बोलेगा वन एंड इज फिक्स वन एंड इज फ्री, ऐसे टाइप का नहीं बोलेगा। आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा इट इज़ रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन,
बट इट इज़ नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। तो आपको समझना है, ठीक है, ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो ट्रांसलेशन को रिस्ट्रेन कर रहा है, ठीक है, ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो ट्रांसलेशन को रिस्ट्रेन कर रहा है बट रोटेशन को आने दे रहा है, तो कौन सा सपोर्ट हो जाएगा, वो हिंज सपोर्ट। तो जो भी एंड के बारे में ये वाला स्टेटमेंट दिया, मतलब समझ जाना वो एंड कौन सा हो जाएगा आपके पास, वो एंड हो जाएगा आपके पास हिंज सपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं फिक्स सपोर्ट, ठीक है। ये क्या था आपके पास, ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, हिंज सपोर्ट बताया। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिक्स सपोर्ट। तो अगर मैं फिक्स सपोर्ट की बात किया, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर फिक्स सपोर्ट, कोई भी मैंने एक सेक्शन ले लिया, ठीक है, इसके आगे जो भी होगा होगा। यहाँ पर आपके पास ये फिक्स सपोर्ट है, इसको मैं बोल दिया यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट ए। अब अगर मैंने इसके ऊपर क्या दे दिया, मैंने लोडिंग दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या दे दिया आपको, यूडीएल मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, पूरा आगे तक जा रहा है। अच्छा मेरे को बताइए, ये वाला जो ए पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा क्या, डिस्प्लेस हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा क्या डेल्टा ए पे, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एट ए नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पर थीटा आ सकता है क्या, स्ट्रक्चर एनालिसिस पूरा पढ़ लियो ना, तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, यहाँ थीटा आ सकता है क्या, यहाँ पर थीटा भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाऊँ तो कैसे होगा, वो कुछ आगे से जाएगा, ठीक है, वो कहाँ से जाता है आपके पास, थोड़ा सा आगे से क्या करता है वो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो आती है वो कहाँ से आती है, थोड़ा आगे से आती है, मतलब इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल ही जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ही आपके पास टेंजेंट बन रहा है, तो मतलब कोई आपके पास एंगल आया क्या वहाँ पर, कोई रोटेशन आया क्या उस पॉइंट पे, नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास थीटा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया, आपको यहाँ पर डेल्टा भी देखने को नहीं मिला, थीटा भी देखने को नहीं मिला। अब अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूँ फिक्स सपोर्ट का, अगर मैं क्या कर रहा हूँ फिक्स सपोर्ट को अगर मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज़ मतलब इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना पॉइंट ए की, इट इज़ रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन ऑल्सो एंड it is also restrained against rotation, मतलब यहाँ पर आपके पास दोनों को क्या किया उसने, रिस्ट्रेन करके रखा है, मतलब रिस्ट्रेन करके रखा है मतलब दोनों की वैल्यू को, डिस्प्लेसमेंट जो दोनों जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं आपके पास डिफ्लेक्शन और रोटेशन, दोनों डिस्प्लेसमेंट को क्या करके रखा है, वो रिस्ट्रेन करके रखा है, वो सपोर्ट आपका जो सपोर्ट है वो रिस्ट्रेन करके रखा है, मतलब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यूज हैं वो दोनों कितनी हो जाएगी आपके पास, जीरो, मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो डेल्टा एट ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो, ऑल्सो थीटा एट ए विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? तो बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है, रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ सेम चीज़, अगर मैं उनको बोलूँ कि एक एंड फिक्स है दूसरा एंड भी फ्री है, तो तुरंत बोलेंगे हाँ एल इक्वल्स टू एल बाई टू होता है करके, तो हमें पता है, सो हमने पढ़े हैं, तो एक एंड आपके पास फिक्स है, एक एंड आपके पास हिंज है, तो बोलेंगे हाँ ये भी पता है हमें, एल इक्वल्स टू एल बाई रूट होता है, सो हमें तो पढ़े, इतना सिंपल क्यों पूछ रहा आप हमसे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक एंड कैसा है, आपके पास वन एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन बट इज नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड द अदर एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड ऑल्सो रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, हालत खराब, ठीक है, ये क्या पूछ दिया आप, ऐसा क्या हो गया आपके पास। तो वहाँ पर आपके पास ये वाला, इस वाले कॉलम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक एंड कैसा आपके पास फिक्स्ड और एक एंड कैसा आपके पास हिंज, ठीक है, तो वहाँ पर हमें स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आरसीसी में क्या है आपके पास, ठीक है, एक और आपके पास अगर मैं फ्री सपोर्ट की बात करूँ या फिर मैं फ्री एंड की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या कैसा बनेगा आपके पास, it is not restrained against both translation and rotation, मतलब दोनों को रिस्ट्रेन नहीं किया, मतलब अगर फ्री एंड की बात करो तो वहां पर डिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा और रोटेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, तो मैं बेसिक आपको बताया, ठीक है, ये सारी चीज बेसिक बताया, इफेक्टिव लेंथ होता क्या है, सॉम में क्या पढ़े थे,
और आरसीसी में स्टेटमेंट कैसे दिया रहेगा। अब अपन बात करेंगे आरसीसी में बेसिकली ये जो वैल्यूज़ आपने जो सॉम में जो पढ़ी थी वाली वैल्यूज़ को आरसीसी उसमें जो थियोरेटिकल वैल्यूज़ है उसको प्रोवाइड करने नहीं बोलता है। उसने आईएएस कोड ने क्या किया, आईएएस 456 ने अपने एक रिकमेंडेड आपको क्या दिया है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ दी है, तो अपन उसको देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं अपन केस नंबर वन। केस नंबर वन की बात करते हैं, इसमें आपको बोला है कि आपके पास बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आप बोल रहे हैं आपको कि आपके पास दोनों एंड में आपके पास डेल्टा तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपके पास ये दो एंड है, दोनों एंड में आपको यहाँ पर डेल्टा तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको दोनों एंड में थीटा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा टाइप का सपोर्ट हो जाएगा, ऐसा कौन सा सपोर्ट है जहाँ पर आपको डेल्टा तो भले ही नहीं आएगा लेकिन आपके पास थीटा आपको देखने को मिलेगा। ये कौन से टाइप का सपोर्ट को डिफाइन कर रहा है, ये आपको हिंज सपोर्ट को डिफाइन कर रहा है। अभी मैं आपको बताया था प्रॉपर्टी, ठीक है, अभी मैं आपको प्रॉपर्टी समझाया था हिंज सपोर्ट की, कि वहां पर डेल्टा आपको नहीं देखने को मिलेगा लेकिन वहां पर थीटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला होगा एंड की नीचे वाला होगा, जहां पर मैं हिंज सपोर्ट बनाऊंगा मैं दोनों में बनाऊंगा क्योंकि यहां पर बोला है बोथ एंड्स। ठीक है, बोथ एंड्स के बारे में बोल रहा है, तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा आपके पास हिंज सपोर्ट, और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास हिंज सपोर्ट। तो इसका आपके पास जो इफेक्टिव लेंथ की जो डिस्टेंस आएगी वो एल ई किसके बराबर हो जाएगी आपके पास एल के बराबर। दोनों थियोरेटिकल, मतलब थियोरेटिकल भी यही वैल्यू है और आपके पास रिकमेंडेड वैल्यू जो है आईएएस कोड ने दी है वो भी आपको एल इक्वल्स टू एल ही लेने को बोला है इस पर्टिकुलर केस में। समझ में आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं तो नेक्स्ट केस अपन देखते हैं। नेक्स्ट केस में आपको बोल रहा है, केस नंबर टू की बात करें, तो यहां पर आपको बोल रहा है कि बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। मतलब रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रेन कर रहा है डेल्टा को भी और थीटा को भी रिस्ट्रेन कर रहे हैं, मतलब दोनों वैल्यू को नहीं आने दे रहा है। तो ये कौन से टाइप का सपोर्ट हो गया, ये आपके पास फिक्स सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये कौन से टाइप का सपोर्ट हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट। तो अगर कौन से वाले सपोर्ट को बनाऊं मैं, कौन से एंड को बनाऊं, ऊपर वाले के नीचे वाले कॉलम के मैं ऊपर वाले एंड को बनाऊं कि नीचे वाले एंड को बनाऊं, तो यहां पर आपको बोल रहा है बोथ एंड्स। तो मैं बोथ एंड्स को मैं कैसा बनाऊंगा, मैं बोथ एंड्स को बनाऊंगा यहां पर फिक्स्ड। बोथ एंड्स को कैसा बनाऊंगा मैं यहां पर फिक्स्ड। तो यहां पर आपके पास जो एल ई का जो लेंथ आएगा, एल ई का आपके पास जो लेंथ आएगा वो कितना होगा आपके पास, दिस विल बी योर एल ई। और आपको एल ई पता था सॉम में कितना होता है, L by root 2 या फिर मैं कितना बोल दूं इसको 0.7L बोल दूं। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर थियोरेटिकल वैल्यू। लेकिन अगर मैं IS कोड 456 के बारे में बात करूं, अगर मैं LE कितना होता है इस केस के लिए, LE होता है L by 2, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.5L। ठीक है, ये दोनों एंड फिक्स्ड है तो यहां पर कितना होता है आपके पास L by 2, तो कितना आपके पास 0.5L, ये क्या आपके पास थियोरेटिकल वैल्यू है। तो अगर मैं IS कोड के बारे में बात करूं, IS कोड 456 ने क्या किया है, तो ये तो थियोरेटिकल वैल्यू थी, इफेक्टिव लेंथ कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए स्पैन का, लेकिन IS कोड ने कितना देके रखा है, IS कोड ने यहां पर 0.65L देके रखा है, जिसको अपन बोल सकते हैं ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज योर रिकमेंडेड वैल्यू। ये वैल्यू कहां से आई है, दिस वैल्यू हैज अराइव्ड फ्रॉम IS 456 2000। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं ना, डिजाइन में हम एक्चुअल वैल्यू थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट में जितना निकाला हूं मैं उतना ही थोड़ी रख देता हूं, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट में अगर नंबर ऑफ बार्स अगर मान लीजिए आपके पास आई 5.12, तो हम कितना प्रोवाइड करते हैं वहां पर,
अराउंड 6 या फिर और 7 भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब जितना रिक्वायर्ड है हम हमेशा उससे क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ कितना है आपके पास, 0.5L आया है, लेकिन IS कोड ने कितना बोला है, LE कितना लेने के लिए बोला है आपको, यहाँ पर 0.65L लेने के लिए आपको यहाँ पर रिकमेंड किया हो, ठीक है। तो जब भी आप इफेक्टिव लेंथ लेंगे तो एक्चुअल में कितना ले लोगे आप, 0.65L इंस्टेड ऑफ 0.5L। क्लियर है यहाँ तक? चलिए केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास आया है कि वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट, चलिए वन एंड मत बोलिए, बोथ एंड बोल दीजिए, बोथ एंड आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, बट वन एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड, बट वन एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है, बट वन एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब आपके पास एक एंड आपके पास रोटेशन को रिस्ट्रेंड नहीं कर रहा है, दूसरे एंड में आपके पास रोटेशन भी क्या हो रहा है, आपके पास रिस्ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है, वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, एंड द अदर एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, दोनों एंड में ट्रांसलेशन को मैं कॉमन ले लिया, और उसी एक एंड में क्या बोल रहा हूँ कि रोटेशन आ रहा है और दूसरे एंड में रोटेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर आपके पास सोच के आपके पास डायग्राम नहीं बने, आपके पास जो एंड जो सपोर्ट्स होते हैं वो आपको समझ में नहीं आए कि इस जो स्टेटमेंट जो है वो कहना क्या चाह रहा है। तो अपन समझते हैं इसको, ठीक है, इसको अपन समझते हैं। यहाँ पर मैंने बोला है कि आपके पास बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ पर भी आपको डेल्टा नहीं देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको डेल्टा नहीं देखने को मिल रहा है, बट वन एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, इसके आगे आप लिख सकते हो एंड द अदर एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक एंड में क्या हो रहा है कि वन एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है, रोटेशन वहाँ पर रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू वहाँ पर आएगी, ये रिस्ट्रेन नहीं हो रहा है, बट दूसरी जगह पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपके पास थीटा भी नहीं आएगा, इसके बाद आप चाहो तो और लिख सकते हो एंड द अदर एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इस केस की अगर मैं बात करूँ ये वाले एंड की, तो डेल्टा भी नहीं आ रहा है और थीटा भी नहीं आ रहा है, मतलब ये कौन से टाइप का सपोर्ट हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा फिक्स सपोर्ट, ये क्या हो जाएगा आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट। इस एंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा नहीं आ रहा और थीटा आ रहा है, मतलब ये कौन से टाइप का सपोर्ट हो गया, दिस विल बी योर हिंज सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल गया आपको, दिस विल बी योर हिंज सपोर्ट। तो अगर मैं इसका एल ई की बात करूँ, इसकी अगर मैं एल ई की बात करूँ तो एल ई कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर एल ई, ठीक है, दिस विल बी योर एल ई, और इसकी वैल्यू सॉम में कितना पढ़े थे हम, एल ई इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, एल बाय रूट टू, मतलब कितना 0.7L, ये क्या हमारे पास सॉम में हमने जो पढ़ा था, मतलब थियोरेटिकल जो वैल्यू है इफेक्टिव लेंथ की, थियोरेटिकल वैल्यू। IS कोड ने कितना सजेस्ट करके रखा है, IS कोड ने 0.7 की जगह कितना लेके रखा है, 0.8 लेने के लिए बोला है। तो ये क्या आपके पास, दिस विल बी योर रिकमेंडेड वैल्यू, ये कहाँ से है आपके पास, IS 456 2000 से आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपको देखने को मिली है। क्लियर, समझ में आ रहा है, अब धीरे धीरे स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर मैं पूरा एक साथ लिख लेता, ठीक है, एक पूरा टेबल बना लेता, आपको बस बोलता कि अगर पहला स्टेटमेंट ये है दूसरा स्टेटमेंट ये है, तो चीज़ें तो अच्छे समझ नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर पेशेंस से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पूरा प्रॉपर एक एक स्टेटमेंट लिख के एक एक आपको एंड यहाँ पर डिस्कस करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसको एंड में, आप चाहो तो अगर थोड़ा सा अगर आपको आलस आ रहा है तो आप पूरा आराम से बैठ के देख लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप यहाँ पर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसी स्पीड से चलिए, ताकि क्या हो आपको चीज़ें आपके दिमाग में आपके जहन में बैठ जाए हमेशा, ठीक है, वरना थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर स्टेटमेंट समझने की। फोर्थ केस नंबर 4 की बात करूँ, चलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपके पास वन एंड इज़ रिस्ट्रेंड अगेंस्ट
अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन but the other end is not restrained against translation and rotation, but the other end is not restrained against translation and rotation. इसका मतलब क्या है? चलिए, इसका मतलब यह है कि आपके पास ये दो एंड है. पहले एंड में बोल रहा है वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, दोनों में रिस्ट्रेंड कर रहा है, मतलब दोनों वैल्यू आपके पास नहीं मिलेगी, डेल्टा भी नहीं आएगा और थीटा भी नहीं आएगा. बट द अदर एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, मतलब यहां पर आपके पास डेल्टा भी आएगा और थीटा भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा. तो ऐसे कौन से सपोर्ट्स हो जाएंगे? वो आपके पास अगर दोनों चीज नहीं आ रही तो मतलब ये क्या है आपके पास, दिस इज योर फिक्स सपोर्ट. और दोनों चीजें आ रही है मतलब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर फ्री सपोर्ट, ठीक है, या फिर इसको बोल दो आप सपोर्ट नहीं, दिस विल बी योर फ्री एंड, ठीक है. ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर फ्री एंड. तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसा बनेगा आपके पास, एक एंड क्या है आपके पास फिक्स्ड है, दूसरा एंड क्या है आपके पास फ्री. तो यहां पर अगर इसका एल ई अगर आप देखोगे, इसका एल ई जितना यहां पर आया उतना ही इमेजिनरी क्या होगा, ये नीचे साइड भी आपको इमेजिनरी देखने को मिलेगा. टोटल क्या आपके पास एल ई की डिस्टेंस है, ये वाली टोटल जो डिस्टेंस है वो एल ई की है. और यहाँ पर एल ई कितना बोला था आपको सॉम ने, सॉम में कितना पढ़े थे हम, एल इक्वल्स टू 2L होता है थियोरेटिकल, और यहाँ पर रिकमेंडेड की बात करें तो वो भी कितना होगा आपके पास 2L के बराबर ही होगा. यहाँ पर अगर मैं रिकमेंडेड की बात करूँ तो IS कोड ने भी इसको 2L ही लेने को बोला है. यहाँ पर आपको जितनी थियोरेटिकल की वैल्यू थी उतनी आपको यहाँ पर लेने को बोला है, ठीक है. तो समझ में आया, तो यहाँ पर ये क्या था आपके पास, जितना आपने स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा. साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंडेड वैल्यू बताऊं, तो जब भी अगर आप क्वेश्चन में जब भी आप एल ई निकाल रहे होगे, ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह में जब भी आप एल ई निकाल रहे होगे तो एल ई हमेशा आप कौन सा लेंगे, यहाँ पर आप एल ई लेंगे रिकमेंडेड वैल्यू, ना कि थ्योरेटिकल वैल्यू. तो ये चार केसेस थे जो हम पहले हम पढ़ चुके थे, है ना, सॉम में हमने देखा था. एडिशनली यहाँ पर तीन केसेस और आएंगे आपके पास जो आरसीसी में आपको थोड़ा सा आपको स्पेशल केसेस भी लिख सकते हो इसी के आगे, तो तीन केसेस भी अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर. चलिए स्पेशल केस देखते हैं यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर केस नंबर 5, ठीक है. आरसीसी का क्या आपके पास स्पेशल केस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और ये आपने आरसीसी में नहीं पढ़ा, सॉरी सॉम में नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ. ध्यान से समझिएगा, मैं इतना ज़्यादा जो टाइम इन्वेस्ट किया हूँ स्टेटमेंट समझाने के लिए वो मैं ये तीन केसेस के लिए ही किया हूँ, वरना मैं आपको सीधा सीधा आपको पहले 5 मिनट के अंदर पूरा स्टेटमेंट लिख लेता और डायग्राम बना के बोल देता इसके लिए आप 2 ले लेना, इसके लिए आप लोग पॉइंट 8 ले लेना, 0.65 ले लेना, सिंपल सा. लेकिन मैं स्टेटमेंट समझाते हुए इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हूँ ताकि आप इसको समझिए, ठीक है. मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके पास वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट both translation and rotation but the other end is restrained against translation, ठीक है. 2 मिनट पॉज करिए, इसको आप फिर से पढ़िए. मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, बट द अदर एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, ठीक है. चलिए, यहां पर मैं किया आपके पास दो एंड बनाया, ठीक है. क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, दो एंड बना रहा हूं, मतलब एक कॉलम मैंने यहां पर बनाया, ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, इसके दो एंड है. मैं आपको बोल रहा हूं कि वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है, इतनी बात किया. इस वाले एंड पे मैं बोल रहा हूं कि दोनों में रिस्ट्रेंड है, मतलब यहां पर डेल्टा भी नहीं आ रहा, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन हो गया,
और यहाँ पर थीटा भी नहीं आ रहा, ये भी क्या हो गया, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन हो गया। तो ये कौन से टाइप का सपोर्ट हो गया, जहाँ पर आपके पास दोनों नहीं मिले, दोनों रिस्ट्रेन हो गए। तो यहाँ पर आप बोल रोगे कि सर यहाँ पर तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास फिक्स सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर फिक्स सपोर्ट क्या करते हैं, दोनों आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं उसको क्या कर देता है, वो रिस्ट्रेन कर देता है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, जीरो। लेकिन अगर मैं आप बोलोगे कि बट द अदर एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थीटा नहीं आ रहा, इस एंड में थीटा नहीं आ रहा है, बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, बट यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर डेल्टा देखने को मिल रहा है, तो ये कौन से टाइप का सपोर्ट होगा। तो बोलोगे सर ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये तो आप बताया नहीं हो, ऐसा वो सपोर्ट आप मेरे को बोल रहे हो कि जहाँ पर आपके पास डेल्टा आ जा रहा है लेकिन थीटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ें समझिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक सपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बनाया, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सपोर्ट मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, और ये सपोर्ट क्या कर रहा है, ये सपोर्ट आपके पास क्या कर रहा है, यहाँ पर थीटा नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, थीटा नहीं आ रहा, यहाँ पर डेल्टा आ रहा था और थीटा नहीं आ रहा था, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट बोल रहा है, थीटा नहीं आ रहा है मतलब ये रोटेट नहीं हो रहा है, तो मतलब आपके पास ये जो आपके पास जो पोजीशन है, ठीक है, ये आपके पास जो हाइट है, उसी हाइट में क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेस होगा, उसी हाइट में क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेस होगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये इसी हाइट में क्या होगा आपके पास, थोड़ा सा आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लियर, थोड़ा सा आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्लियर, आपको कैसा देखने को मिला, कुछ इस पैटर्न में आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो ये वाला जो आया है, ये जो आया है, ये क्या आपके पास, यहाँ पर बोल रहा है कि इट इज़ नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ पर आपको, यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, पहले पॉइंट ए यहाँ पर था, अब पॉइंट ए यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, डिस्प्लेस कर गया है। बोल रहा है रोटेशन नहीं आ रहा है, रोटेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो हाइट है इसकी और इसकी, ए की जो हाइट है वो दोनों क्या है आपके पास, मेंटेन्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पर रोटेशन आता तो मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर देता है, ये ऐसा टिल्ट हो गया, क्या कर देता है, नीचे आ जाता, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला जो पॉइंट है क्या होता है आपके पास, थोड़ा टिल्ट करके नीचे आया, तभी तो रोटेशन बनता है वहाँ पर, बट यहाँ पर रोटेशन नहीं आ रहा है। ये भी आपके पास टेंजेंट इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा, इसका भी टेंजेंट कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, मतलब वहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, समझ में आया। तो अगर इस टाइप का अगर आपको देखने को मिला स्टेटमेंट कि आपको बोल रहा है कि एक एंड में क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर आपके पास इट इज़ नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मतलब आपके पास वहाँ पर डेल्टा देखने को मिल रहा है, तो ये मूव करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। दूसरी चीज़ बोल रहा है आपके पास इट इज़ रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब ये वाली जो हाइट इसकी जो थी इनिशियल पॉइंट, ये ऐसे टिल्ट होकर नीचे नहीं आ गया, ये उसी हाइट पर क्या कर रहा है, मेनटेन रख रहा है। तो ये वाला आपके पास केस जो बना इस स्टेटमेंट का, वो आपको केस कहाँ पर मिल गया, आपको कुछ इस पैटर्न में आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ LE की, तो इसकी LE की जो वैल्यू होती है, IS कोड ने कितनी देके रखी है, 1.2L, इसको आप याद रखिएगा, दोनों थियोरेटिकल रिकमेंडेड, क्या रिकमेंडेड की बात करूँगा मैं, सॉम में तो वाला केस डिस्कस होता नहीं है, तो RCC में LE कितना हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी 1.2L, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसी के बारे में बात करते हैं, केस नंबर 6 लेता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पर केस नंबर 6 की बात किया, 5, 6, चलिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है, एक एंड के बारे में बात होगी। चलिए दूसरे एंड के बारे में बात करते हैं, एंड द अदर एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रीड करिए स्टेटमेंट को, इसका मतलब क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास कॉलम बनाया मैंने, दो एंड है,
एक एंड में बोल रहा है इट इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर डेल्टा नहीं आएगा, बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, तो यहाँ पर थीटा आएगा। क्लियर, एक एंड की बात हो गई, बोल रहा है डेल्टा नहीं आ रहा और थीटा आ रहा है, तो कौन से टाइप का सपोर्ट हो गया ये? ये आपके पास हो गया हिंज सपोर्ट। आपको पता है हिंज सपोर्ट में रोटेशन देखने को मिलता है, थीटा देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर रहा है एंड द अदर एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब यहां पर थीटा नहीं आ रहा है, बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मतलब यहां पर डेल्टा आपको देखने को मिल रहा है। मतलब सेम ये वाला जो एंड हो गया वो किसके बराबर हो गया आपके पास, ये वाले केस के बारे में हमने जो पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, एक सपोर्ट बना रहा हूं, यहां पर भी क्या कर रहा हूं मैं एक सपोर्ट बना रहा हूं, और यही सपोर्ट क्या हो गया थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया, डेल्टा आ गया उसमें, लेकिन थीटा नहीं आया, ये कुछ टिल्ट होके नीचे नहीं आया है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँगा तो देखिए यहाँ पर कैसा है, हिंज सपोर्ट है, तो ये कैसा आएगा आपके पास, ये आपको ऐसा आके मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसा था आपके पास, फिक्स सपोर्ट था, तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट में आपके पास अगर डिफॉर्मेशन हो रही है तो कहाँ से होगी, वो थोड़ा आगे से जाके क्या करेगा, वहाँ पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको ये पता है अगर मैं यहाँ पर सिंपली सपोर्ट बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, आपको यहीं से मिल जाएगा, तुरंत यहीं से मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं फिक्स सपोर्ट बनाया, अगर मैं यहाँ पर फिक्स सपोर्ट बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा आगे से जाके क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसी को मैं टिल्ट कर दिया, ये फिक्स सपोर्ट में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा आगे से जाके क्या किया, यहाँ पर डिफॉर्मेशन आया, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे से जाके क्या मिला, यहाँ पर मुझे डिफॉर्मेशन मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हिंज सपोर्ट की बात करूँ तो हिंज सपोर्ट में हम देखते हैं हमेशा हिंज सपोर्ट में आपको यहीं से क्या मिल जाएगा, आपको आपको यहाँ पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास थीटा अलाउड है और यहाँ पर आपके पास थीटा अलाउड नहीं है, है ना, क्लियर है ना। चलिए, तो ये बात थी, दोनों के पीछे का जो फंडा था वो ऐसा था। अब यहाँ पर आपको LE जो इफेक्टिव लेंथ आपको बोला गया है IS कोड ने, वो कितना देके रखा है, LE इक्वल्स टू यहाँ पर देखे रखा है 2L, ठीक है, कितना देखे रखा है वो LE इक्वल्स टू 2L, ठीक है। केस नंबर 6 हो गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 7 में आपको बोला है कि वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट, इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, बट द अदर एंड, बट द अदर एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट, इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, बट द अदर एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। चलिए, अब इस केस को समझिए, ये आपके पास एक कॉलम है, यहाँ पर आपको बोल रहा है इस कॉलम में, ठीक है, आपको यहाँ पर बोल रहा है वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, मतलब यहाँ पर डेल्टा भी नहीं आ रहा और थीटा भी नहीं आ रहा, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया है वो रिस्ट्रेन कर दिया। तो कौन से टाइप का सपोर्ट हो गया ये, दिस विल बी योर फिक्स सपोर्ट, ठीक है, दिस विल बी योर फिक्स सपोर्ट। अब यहाँ पर बोल रहा है बट द अदर एंड इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ पर डेल्टा तो आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर डेल्टा आपको देखने को मिल रहा है, एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, तो कम्प्लीटली क्या कर रहा है यहाँ पर, ये कम्प्लीटली आपको यहाँ पर थीटा को भी क्या कर रहा है वो यहाँ पर रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा है, कुछ वैल्यू यहाँ पर थीटा की भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसके पहले हमारे पास थीटा नहीं आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास थीटा भी आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर सपोर्ट, एक सपोर्ट है, ठीक है। तब मुझे ये पता है कि यहाँ पर डेल्टा देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा भी देखने को मिल रहा है और थीटा भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, डेल्टा मतलब कुछ यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है, कुछ ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली कुछ क्या करेगा, यहाँ पर मूव करेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर थीटा भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी वर्टिकल भी मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट करके कुछ इस टाइप से,
जहाँ पर आपके पास ये क्या थी, उसकी इनिशियल हाइट थी, अब क्या हो गया वो उससे नीचे आ गया, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास नया सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा में देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेल्टा भी आपको देखने को मिल गया और यहाँ पर आपको थीटा की भी वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ पर एल ई की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.5 एल। ठीक है, आई एस कोड ने इसको कितना देख रखा है, इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू 1.5 एल। क्लियर, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं कहीं पर स्टेटमेंट में, जैसे मैं आपको बोला ना रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मैंने आपको बोला रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, ये मैं लिख रहा था। ठीक है, इस स्टेटमेंट को रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन मतलब डेल्टा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको यहां पर ऐसा भी देख सकता है कि आपके पास इट इज हेल्ड इन पोजिशन। ठीक है, इट इज हेल्ड इन पोजिशन, यही सेम स्टेटमेंट को वो ऐसे भी लिख सकता है, इट इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन मतलब डेल्टा नहीं आ रहा है, हेल्ड इन पोजिशन मतलब अगेन क्या हो रहा है, यहां पर भी डेल्टा नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं कहीं पर हो सकता है आपके पास स्टेटमेंट कैसा ऐसा नहीं दे कि इट इज वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन की जगह बोल दे कि वन एंड इज हेल्ड इन पोजिशन एंड ऑल्सो रिस्ट्रेंड अगेंस्ट आपके पास रोटेशन। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर आपको डिफ्लेक्शन, आपको डेल्टा वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली हेल्ड इन पोजिशन का मतलब भी आपके पास सेम होता है। तो इन एनी वे आपको ये दोनों में से कोई स्टेटमेंट आपको एक देखने को मिलेगी। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? तो ये था हमारे पास इफेक्टिव लेंथ की बातें, जहाँ पर आपके पास टोटल 7 केसेस थे जिसमें से स्टार्टिंग के 4 आप पहले पढ़ चुके हो सॉम में। अगर आप बात करोगे ईएस गेट या फिर थोड़े अच्छे एग्जाम्स के बारे में तो वहाँ से ये 3 केसेस में से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर केस नंबर 5, केस नंबर 6 एंड केस नंबर 7। यहाँ से आपको बोलता है एल ई की वैल्यू आप बताइए। ठीक है, आया हुआ है क्वेश्चन पहले गेट में भी, ईएस में भी आया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो मैं अच्छे से एक एक स्टेटमेंट में आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट को आप कैसे रिलेट करोगे। बाकी आपको अब क्या होगा, आपके पास अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास इफेक्टिव लेंथ के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद वाला टॉपिक।